हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज मैं आपके लिए वर्मिसेली कस्टर्ड की रेसिपी लेके आई हूँ, जो खाने में बहुत ही टेस्टी है, बनाना बहुत ईजी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके कढ़ाई में मैंने 1 टेबल स्पून जितना घी लिया है, उसके बाद मैंने आधा कप जितना इसमें वर्मिसेली यानी सेवई डाल दिया है। अब इसे हम तब तक चलाएंगे जब तक इसका कलर रेड ना हो जाए। आप देख सकते हैं ये रेड हो गया है। तो यहाँ पे मैंने 1 लीटर दूध इसमें ऐड कर दिया है और अब हम आने देंगे इसमें उबाल। इसके लिए मैंने गैस की आंच को तेज कर दिया है। इसमें हम कुछ केसर के रेशे डाल देंगे ताकि इसका कलर भी बहुत ही अच्छा आएगा और इसका टेस्ट भी। अब हम इसे चलाते रहेंगे। फ्रेंड्स, हमें इसे बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं करना है, बस हमें इतना ही चलाना है जब तक हमारा सेवई पकना जाए। इसमें अब यहाँ अलग से आधा कप दूध में मैंने 2 टेबल स्पून जितना कस्टर्ड पाउडर ऐड किया है। ये मेरा वेनिला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर है और ये आपको ठंडा या फिर नॉर्मल टेम्परेचर के दूध में ही ऐड करना है। गर्म दूध में ऐड ना करें, उसमें लम्स पड़ जाते हैं। अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें उबाल आना हमारा शुरू हो गया है। आपको तभी तक पकाएं जब तक सेवई पक ना जाए। अब हम इसमें डाल देंगे 1/4 कप जितना चीनी, मिक्स कर देंगे। और साइड्स में जो मलाई जम जाती है उसे भी हम निकालते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब हमारा सेवई हो चुका है। इसे हम ज्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि ठंडा होने के बाद ये थोड़ा और ज्यादा गाढ़ा हो जाता है और अभी हम कस्टर्ड भी इसमें ऐड करेंगे। तो अभी हमारा सेवई जितना पका है बस उतना ही रहने देंगे और यहाँ पे हमने जो कस्टर्ड अलग से मिक्स करके रखा था वो हम इस दूध में ऐड कर देंगे। आप जैसे ही इसे ऐड करेंगे आप देखेंगे कि आपका ये ठीक होना शुरू हो जाएगा। अब हम बस इसे लो हीट पे 2 मिनट पकाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये हमारा अब ठीक हो गया है। तो अब गैस को हम कर देंगे बंद और इसे हम अलग बाउल में निकाल लेंगे क्योंकि ये ठंडा होगा तो और ज्यादा ठीक हो जाएगा। तो अलग बाउल में हम इसे ट्रांसफर कर लेंगे और फ्रेंड्स, आपको इसे ठंडा करके फ्रीज में 2 से 3 घंटे के लिए इसे आपको रख देना है। यहाँ मैंने 2 से 3 घंटा फ्रीज में रख दिया था और आप देख सकते हैं कि ये और ज्यादा ठीक हो गया है ठंडा होने के बाद। हमें बस इसी तरीके का चाहिए था। अब फ्रेंड्स, इसमें हम ऐड करेंगे फल। आप अपने पसंद का कोई भी फल इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ 1 केला को कट करके इसमें ऐड किया है। आम का सीजन है इसलिए मैंने एक छोटे साइज के आम को भी कट करके इसमें ऐड किया है। यहाँ पे 1 कप जितना मैंने हरा अंगूर यूज किया है। 2 टीस्पून जितना सब्जा सीड को मैंने आधा घंटा पहले ही पानी में भिगो के रख दिया था, अब वो हम इसमें ऐड कर देंगे। 2 टेबल स्पून जितना मैं इसमें टूटी फ्रूटी ऐड कर रही हूँ और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ काजू, बादाम और किशमिश मिक्स ड्राई फ्रूट्स को मैंने इसमें ऐड किया है। थोड़ा हम बचा लेंगे, बाकी इसमें ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, आप इसमें अपने पसंद का कोई भी फल और कोई भी ड्राई फ्रूट्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इस सारी चीजों को हम बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स, तैयार है आपका वर्मिसेली कस्टर्ड। एक बार बना के जरूर देखिएगा, ये बहुत ही टेस्टी होता है खाने में। अब हम इसे सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए मैंने एक छोटे ग्लास का यूज किया है। आप अपने पसंद का कटोरी या फिर प्लेट्स आप जिसमें सर्व करना चाहते हैं कर सकते हैं। हमने जो थोड़ा ड्राई फ्रूट्स बचा के रखा था ऊपर से हम गार्निशिंग कर देंगे इसकी और ऊपर से हम लगा देंगे 1 चेरी। तो फ्रेंड्स, तैयार है आपका वर्मिसेली कस्टर्ड। आपने देखा बनाना बहुत ही इजी है। हम कस्टर्ड तो हमेशा ही बनाते हैं, इस बार नए तरीके से कस्टर्ड बना के ट्राई कीजिए और आपको ये बेहद पसंद आने वाला है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप ये रेसिपी ट्राई करने वाले हैं, ट्राई करते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर टैप करें। धन्यवाद।